मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का और लड़की को दिखाया जाता है। इससे ये पता चलता है कि हमें वो लड़का उस लड़की को उसके घर छोड़ने आया होता है। उसके बाद उसके डैड को दिखाया जाता है जो उस लड़की को डांटने के लिए उसके घर के बाहर आ रहे होते हैं। और उसके बाद उसका डैड वो घर से बाहर आकर देखता है कि वो लड़का और लड़की वहां पर नहीं होते हैं और वहां पर उसकी बाइक गिरी पड़ी होती है। और जब उस लड़की का डैड थोड़ा आगे जाकर उस लड़की को खोजने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसकी लड़की एक कोने में बैठी होती है और कोई उसे वहां से खींच कर ले जाता है। उसके बाद उसका डैड उसको बचाने के लिए उसके पीछे जाता है, तभी वह और जो उसकी बेटी को खींच कर लेके गया होता है वही उसके डैड पर हमला कर देता है। उसके बाद उसकी वाइफ अपना गन लेकर नीचे देखने जाती है और अपनी छोटी बच्ची से कहती है कि तुम कमरे में ही रहना, और जब वो बाहर जाती है तो वो उस पर भी हमला कर देता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो सेंटरमैन, जहां पर एक लूसी नाम की एनिमल केयर टेकर होती है जो एक मगरमच्छ की इलाज कर रही होती है। उसके बाद उसे एक कॉल आता है कि किसी जानवर ने 4 लोगों को बुरी तरीके से मार दिया है और वो उस जगह पर जाती है जहां पर उन 4 लोगों को मारा गया है। उसके बाद ये पता चलता है कि वो एक शेर है जिसने इन लोगों को मारा है और उनकी एक छोटी बेटी है जो अभी तक मिसिंग है। ग्लीसिंग में जू सीलू को सब कुछ बताती है इस घटना के बारे में, लेकिन जू इस पर विश्वास नहीं करता। उसके बाद हमें एक ग्राउंड में 3 लोगों को दिखाया जाता है जो गोल्फ खेल रहे हैं। उनमें से एक गोल्फ को लॉन्ग शॉट मार देता है जिससे वो बॉल जंगल के अंदर चली जाती है और वो जंगल में बॉल लेने के लिए जाते हैं, तभी उनके दोस्त पर शेर हमला कर उसे मार देता है और वो शेर उसे खींच कर बीच ग्राउंड में छोड़कर वहां से चला जाता है। और ये बात पूरे शहर में फैल जाती है कि एक शेर खुले आम लोगों को मार रहा है। और अंडरग्राउंड रोड पर हमें एक कोने पर उस शेर को दिखाया जाता है जो कि एक कोने पर बैठा होता है। जब डिलीवरी बॉय खाना डिलीवर करके वहां से जा रहा होता है तब वो शेर उसका पीछा करके उसे वहां मार डालता है। उसके बाद हमें एक प्रोफेशनल हंटर को दिखाया जाता है जो उस शेर को पकड़ने के लिए जा रहा होता है। साथ ही उसका बेटा भी उस शेर को पकड़ने के लिए उसके साथ जाने की जिद करता है, लेकिन उसका डैड उसको वहां से मना कर चला जाता है। उसके बाद हमें वो पार्क दिखाया जाता है जहाँ पर वो शेर अभी छुपा हुआ होता है और वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो एंजॉय करने के लिए उस पार्क में इकट्ठे हुए होते हैं। और दिखाया जाता है कि वो प्रोफेशनल हंटर उस पार्क में होता है उस शेर को पकड़ने के लिए। उसके बाद वो शेर को पकड़ने के लिए अपने सारे ट्रैप्स लगा देता है और वो शेर का इंतजार कर रहा होता है। उसके बाद वो शेर की आवाज अपने रेडियो में प्ले करता है। उसके बाद उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, तभी वो उस पर फायर करने वाला होता है तो वो देखता है कि वो उसका बेटा होता है जो बिना बोले उस पार्क में उस शेर को हंट करने आ गया होता है। और उसका डैड उसको रोकने की कोशिश करता है, तभी वहाँ शेर की आवाज आती है जिससे वो अपने कैंप में चला जाता है और उसका बेटा वहाँ से भाग जाता है। और जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो शेर उसके पीछे से हंटर पर हमला कर देता है और वो शेर उसको खाने लगता है। जब उसका बेटा अपने डैड को बचाने की कोशिश करता है तब वह आगे बढ़ता है और उसका पैर उस कैंप में चला जाता है जिससे उसकी मौत वहीं हो जाती है। उसके बाद वो शेर रोड पर आकर एक मेट्रो बस में चढ़ के वहाँ उसमें जितने भी लोग होते हैं उन सब पर हमला कर देता है। फिर उन पर हमला करने के बाद वो शेर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद एक इंस्पेक्टर के कहने पर लूसी को अपने शिकारी दोस्त को बुलाना पड़ता है, साथ ही उसका दोस्त एक प्रोफेशनल हंटर भी होता है। और नेक्स्ट सीन में हमें लूसी के दोस्त को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। उसका एक पैर से हैंड के दौरान शेर ने खा लिया होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में एक पार्क में 2 बच्चों को खेलते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर वो शेर आकर एक बच्चे को मारकर वहाँ से ले जाता है। उसके बाद वे फैसला करते हैं कि आज वो उस शेर को किसी भी हालत में पकड़ लेंगे। उसके बाद इंस्पेक्टर की कुछ टीम उस शेर को पकड़ने के लिए पार्क में चले जाते हैं, लेकिन वो शेर उस पार्क के अंदर नहीं मिलता है। जिसके बाद जैक को बुलाया जाता है। जैक उन सबसे कहता है यदि हम उसके खाने को इस पार्क में लटका दें तो वह शेर इस खाने को खाने के लिए जरूर आएगा। ये बात सुनकर जैक ने जैसा कहा सब लोग वैसा ही करते हैं और जैक वहीं पर रुककर सबको बाहर जाने के लिए कहता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो शेर वहां पर आता है। इससे पहले कि वो उस पर हमला कर दे उससे पहले वो अपने गन से उस पर फायर कर देता है और वो शेर जख्मी हो जाता है। साथ ही वो शेर वहां से भागने लगता है और जैक उसका पीछा कर रहा होता है। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि वो डेड बॉडी वहां पर नहीं है और वो शेर उस डेड बॉडी को ले गया और वो शेर वहां से भाग कर एक बिल्डिंग के अंदर घुस गया है जहां पर जैक और लूसी उसको पकड़ने के लिए अंदर जाते हैं। जब वे लोग अंदर देखने ही वाले होते हैं तभी शेर उन पर हमला कर देता है और वो दोनों उससे बचने के लिए थोड़ा आगे चले जाते हैं और वो शेर लूसी का पीछा करता है तो लूसी खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और दूसरी तरफ वो शेर जैक के सामने होता है और वो शेर जैक की तरफ भागते हुए आ रहा होता है। उसी समय जैक उस पर फायर कर देता है और वो पीछे जाने लगता है, तभी वो आगे जाकर पीछे नीचे गिरने वाला होता है, तभी उसका पैर नीचे फंस जाता है और वो शेर उस पर हमला कर देता है जिससे जैक अब जख्मी हो जाता है। उसके बाद जैक खुद को एक रूम में बंद कर देता है। साथ ही उसी रूम में उसी के पास लूसी भी आ जाती है। साथ ही जैक लूसी को बोलता है उसके जख्मी पैर को काटने के लिए, तभी वहाँ बाहर से शेर उनके दरवाजे पर हमला कर रहा होता है। उसके बाद वो ट्रैप बनाती है जहाँ पर उसको पकड़ सके। जब वो शेर लूसी के पीछे आता है तभी लूसी स्लीपिंग गैस उसके सिर पर डाल देती है। वो शेर थोड़ा पीछे हटने लगता है। जब जो लूसी को बचाने लगता है
तब वो शेर उस पर हमला कर देता है। जब जोग रूसी को बचाने लगता है तब वो शेर उस पर हमला कर देता है। जोय को बचाने के लिए रूसी उस शेर के सिर पर लोहे का रॉड घुसा देती है जिससे वो शेर वहीं पर मर जाता है। और अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि जोय की डेड बॉडी को रूसी हॉस्पिटल ले जा रही होती है, तब उन पर एक शेर हमला कर देता है। जब लूसी उस एम्बुलेंस से बाहर आती है तो देखती है कि पीछे से एक ट्रक आ रहा होता है। वो उस ट्रक में बैठकर उस एम्बुलेंस को धक्का मारने लगती है जिसमें वो शेर है। वो धक्का मारकर उस एम्बुलेंस को ट्रेन के ट्रैक पर ले जाती है जिससे वो शेर मारा जाता है। अगर आपको मूवीज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सेट कीजिए।